दोस्तों, मेरा नाम रूबी नायर है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार और स्वतंत्र लेखिका हूँ। मेरी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविताओं का पाठ कर रही हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरी कविताएं पसंद आएंगी। अगर आप लोगों को मेरी कविताएं पसंद आती हैं तो मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी कविता का शीर्षक है मुझे हरियाली दे दो। मैंने कब कहा कि मुझे सारी धरा दे दो, मुझे तो इस धरा पर बस एक अंश हरियाली दे दो। थक गई हूँ मैं इस धरती की मिगमिरीचिका को देखकर, मुझे इस धरती पर हरियाली का एक आवरण दे दो। आज कहाँ खो गई है हरियाली, आज कहाँ खो गई है हरियाली। उष्णता फैली है चारों ओर, फिर भी खिल उठते हैं नागफनी और पलाश के फूल। आज हरियाली की तलाश है सबको। आ जाए रिश्तों में भी तो दिलों में खिलने लगेंगे हर संभव चाहते। संकल्प की ओर समर्पित होकर ही जीवन में आएगी हरियाली। मैंने कब कहा कि मुझे सारी धरा दे दो, मुझे तो इस धरा पर बस एक अंश हरियाली दे दो। मेरी कविता का शीर्षक है सुनी है पनघट। कितने दिनों से बूंदे बरसी नहीं है, कितनी सुनी सुनी सी है पनघट। दरारें नजर आती हैं मुझे धरती में, मेरी आंखों में कितनी ख्वाहिश है कि बादल बरस जाए, प्यास मेरे मन में जो सदियों से है मिट जाए। वन उपवन महक उठे फूलों की गंध से। अब प्रतीक्षा है मुझे सावन के फुहारों की। पतझड़ का दौर अब बहारों का काजल बनकर गोरी की आंखों में ठहरेगा। समाएगी पपीहे की धुन मन में बसंत की बयार बनकर। कितने दिनों से बूंदे बरसी नहीं है, कितनी सुनी सुनी सी है पनघट। मेरी कविता का शीर्षक है परिवार। मकान को जो घर बनाता है वो है परिवार, रिश्तों का अटूट जोड़ है परिवार। हर सुख दुख में जो काम आए वो है परिवार, माँ की ममता का पालना है परिवार। पिता के आदर्शों का सम्मान है परिवार, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है परिवार। भाई बहनों की नोकझोंक है परिवार, सबको एक होने की प्रेरणा देता है परिवार। संस्कारों का शक्तिपुंज है परिवार, गलती होने पर भी क्षमा का पाठ पढ़ाता है परिवार। अहम को त्याग कर समर्पण की भावना सिखाता है परिवार। एकता का आधार स्तंभ है परिवार। जीवन रूपी कविता का सार है परिवार।